तक हमें लगता था कि सिर्फ एक्ट्रेसेस आर आउट टू क्लॉ एट ईच अदर, बट फ्रॉम द लुक्स हमारे इंडस्ट्री के टॉप 3 स्टार्स भी कुछ कम नहीं है। अगर एसआरके लगते हैं कुछ को घमंडी, तो सलमान को लगते हैं मतलबी। जी हाँ, एक दूसरे पे कटरीना का बर्थडे केक फेंकने के लिए तैयार हो गए थे ये दो खान। बट इनका ये प्रेम और लगाव सिर्फ आज की डेवलपमेंट नहीं है। शाहरुख एंड सल्लू हैव ऑलवेज शेयर्ड अ स्लाइटली टेंस रिलेशनशिप। कभी दीज टू स्टार्स अपनी माँ की खातिर धरती का सीना चीर के स्क्रीन पे जलवे दिखाते थे, वही आज करण अर्जुन की तरह खड़े हो गए मैदान जंग में। इन दोनों के बीच हमेशा कुछ कुछ होता रहता है। कभी ऐश के साथ ब्रेकअप इनके बीच आ गया, तो कभी कुछ और। फराह खान की शादी के वक्त दोनों का हुआ टेम्पररी पैचअप, बट लगता है दिस वॉज ओनली द काम बिफोर द स्टॉर्म। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के वर्ल्ड वॉर 3 टाइप के झगड़े का मुहूर्त कैट्स के बर्थडे पे हुआ। कतरीना तो अपने बर्थडे पे सिर्फ अपने बाबी के साथ खेलना चाहती थी, बट सलमान ने झगड़ा करके सब बिगाड़ दिया। अब सलमान तो सलमान है, one expects nothing better, but looks like SRK can't keep his cool either. He looked in a complete hockey लगा के रख दूंगा मोड। After this very pleasant evening of fun and friendship, सलमान and SRK parted ways, और अब लगता है कि the two will never meet again. शाहरुख ने ये तक कह दिया, I think like a father, while सलमान thinks like a child. और तो और उन्होंने ये भी कहा, We are two different people, very happy in our spaces and very good in our spaces. And I think it should remain like that. Oh my God! शाहरुख, आप तो सलमान के भी बाप निकले। पापा जी, बड़ों का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। But शाहरुख seems more content to float on his inflated ego right now. सलमान के साथ कोल्ड वॉर बनाए रखना है शाहरुख की फॉली नंबर 3।